केशवं बादरायणं सूत्र भाषिकितौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। जय जय श्री राधे। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में ऐसे भामाशाह कल्याणदास जी और ये जो चंच परिवार है इस नेत्र दृष्टि यज्ञ में जिन्होंने भी अपनी आहुति दी है, हम लोग तो कहा करते हैं सेवा है हवन कुंड समिधावन हम जले। और माताएं जानती हैं लकड़ी होती है ना, लकड़ी जो पेड़ से कट जाए उसका या तो कहीं जलाने में काम में अगर आती है अनुपयोगी लकड़ी तो उसकी जो राख बनती है या तो कूड़ के ढेरे में डाल दी जाती है या कहीं गंदगी ढकने में काम आती है। लेकिन वही पेड़ से कटी हुई लकड़ी अगर किसी हवन कुंड में श्रद्धा के साथ जल जाती है तो फिर वो यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती है, वो भगवान शंकर के सिर पर आरूढ़ हो जाती है, वो पूज्य बन जाती है। तो इसी तरह मैं कल्याणदास जी का भी कहूँ कि जीवन तो सबका है, धन अभी इन्होंने बताया भागवत में धन की तीन गति बताई है ना, तो हम भी कहते हैं जैसे खाया पिया अंग लगेगा, फ्रिज में रखा हुआ थोड़ी हमारे अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, कर से जो दान किया है सहयोग किया है सेवा की है वो संग चलेगा, बाकी जो यहाँ पड़ा है उसमें जंग लगेगा। तो वही जीवन सार्थक है, हमारे जीवन में क्या जाने वाला है। तो ये जो टंच परिवार है और उनके जो पूर्वज उन्होंने कितनी अच्छी बात की, इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई श्रेय नहीं, कोई कृतत्व भाव नहीं, निराभिमान कोई अहंकार का बोझ नहीं, यही साधु प्रकृति है। तो इनके जो पूर्वज उनका आशीर्वाद और ये जो टंच परिवार है ये पूरा संभल करके आप सबके लिए, वैसे तो अभी मैंने एक लाइन पढ़ी और उसको पढ़ करके मन में कि देखिए अभाव क्या है, जब हमारे पैर में जूता नहीं होता तो हमको लगता ये भी कोई जिंदगी है, हमें भी भगवान ने जूता दिए होते। लेकिन जब हम जिसके पैर ही नहीं है उसको देखते हैं तो भगवान का धन्यवाद होता है कि भगवान तू कितना कृपालु है, ये दृष्टि है। तो एक तो ये चर्म चक्षुओं की दृष्टि में कहीं थोड़ा सा कमी आ जाए वो यहाँ कल्याणम करोति के माध्यम से उसका निदान, रोग का निदान किया जाता है। और हम सत्य भी कहते हैं कि दो दृष्टि होती है, ये चर्म चक्षुओं की दृष्टि से हम बाहरी संसार को देखते हैं और एक अंदर दृष्टि होती है, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो यहाँ तो दृष्टि बदलने का काम करता है, तो दृष्टि बदल जाती है, पैर में जूते नहीं है तो अभी मैं अपने को कोसता था और भगवान को कोसता था, ऐसा भी कोई जीवन है। लेकिन जब मैंने बगैर पैर वाले को देखा तो वही दृष्टि बदल जाती है और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान तू कितना दयालु है, तूने हमें कम से कम पैर तो दिया है, और पैर दिया है तो कल्याणदास जैसे कोई आ जाएंगे तो जूता भी पहना देंगे। तो कहने का मतलब यही है, ये हमारी दृष्टि बदले, नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई तो पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे, प्रभु रूखी तो मत खाओ जरा घी भी लेते जाओ, तुमने सकल ये बनाई है स्वान की और मुझे और नहीं उड़ा दी है इंसान की। ये दृष्टि हमारे जीवन में आ जाए तो जो इस तरह की सेवा करते हैं उन्होंने आप सबके बीच में परमात्मा का दर्शन किया है, आप सब परमात्मा, हम सब अमृतस्य पुत्रा, हम सब भगवान की संतान है। और ये जो कर रहे हैं सेवा ये कोई चुनाव के लिए नहीं, कोई प्रतिष्ठा के लिए नहीं, कुछ पद पाने भगवान ने दिया है तो भगवान की ही संतान समझ के, भगवान का ही परिवार समझ करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, नर ही नारायण सेवा कर रहे हैं। मैं कल्याणम करोति के समस्त पदाधिकारियों को और जिन्होंने आप सबकी, ये डॉक्टरों की टीम ने आपकी ये सेवा की है, उन समस्त डॉक्टरों के हाथ में ऐसा यश हो
कि आपका किया हुआ उपचार सब प्रसिद्ध फलित हो, ऐसी कामना के साथ है यहाँ बैठे हुए समस्त मंचस्थ पदाधिकारियों को और हमारे सूर्य शर्मा जी को, जिन्होंने आप सबके बीच में आने का मुझे ये शुभ अवसर दिया, उन सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ आगे भी इस तरह का कार्य और निरंतर चलता रहे। जय श्री राधे।